स्वागत करुछी आपण मानको मोर आउ एक नुआ भिडियो रे। आज आम आधुनिक कविता विषय रे आलोचना करिबा। आधुनिक कविता गुडी को मध्य रे महाजात्ता सप्तम सर्ग अमर सिंह को उद्बोधन मंगले ओइलाउसा बंदीर सांध्य अनुचिंता प्रतिमा नायक एही एकक गुडीकर आम आज दीर्घधर्मी प्रश्नोत्तर को आलोचना करिबा। तो प्रथम हेउछि महाजात्ता सप्तम सर्ग अमर सिंह को उद्बोधन। एही कवितार कवि होउछन्ति राधानाथ राय। प्रथम प्रश्न टीला राधानाथ काव्यिक दिग संपर्क आलोकपात कर। 1880 रु 1890 साल मध्य एतादृश प्रतिक्रिया द्वारा राधानाथ विचलित होई तांको काव्य रे करुण रस रसर प्रवाह सृष्टि करिथिले बोली अनुमान करा जायथे। राधानाथ जीवन रे भूदेव मुखोपाध्याय एक विस्मय सेही ही तांको प्रेरणा देथिले ओडिया रे लेखिबा पई। राधानाथ भूदेव बाबूंक उपदेश माने ओडिया रे काव्य कविता रचना कले। बंगलारे मात्र से तीन खंडी पुस्तक रचना करिसेंति। सेगुडी कहला कवितावली एक भाग 1808, कवितावली दुई भाग 1870 एवं लेखावली 1879। 1864 मसीहारे बंगलार लेखक माइकेल मधुसूदन दत्त सोनेट लिखन्ति। तांकर प्रभावरे प्रभावित होई राधानाथ निज कविता माध्यमरे यार परीक्षा चलाइले। बंगला कवितावलीरे 51 सोनेट एवं लेखावलीरे मध्य केतोटी सोनेट तांकर प्रकाशित। विदेशी साहित्य अध्ययन करिबा निमित्त कविंक चित्तर व्यग्रता थिला खूब दृढ़। साधारणत निसंग जीवनर चिंताप्रियता आत्माभिव्यक्तिर विराट अभिलाष सुदूर पदार्थ लाभरे अक्षमता क्षणिक चिंताराशिर परिप्रकाश एहिभली केतेगुटी विषय एथिरु अनुमित हुए। कविंकर राधानाथंक लेखावली माइकेल मधुसूदन दत्तंक विरंगना काव्यर आदर्श और अनुसरणरे रचित। प्रेमिका जीवनर अतीत मधुर अनुभूतिकु प्रेमिक निकटकु पत्राकाररे रूपायन करिबा पद्धति रोमान कवि माने प्रथमे प्रवर्तन करिथिले। ओभिटक हेरियट्स काव्यरे एहिभली 21 कविता देखिबाकु मिले। रामचंद्रर प्रति जानकी लेखावलीर प्रथम कविता। कविताटीरे परित्यक्ता जानकींकर करुण रसशक्ति दुःखाभिभूति हृदयर रसोज्वल चित्र प्रकाश पाइछि। लेखावलीर समस्त कविता भितरे एही रचनाटी प्रेममूलक करुण रसर प्रतीक। अर्जुनेर प्रति सुभद्रा कचर प्रति देवजानी पुंडरीकेर प्रति महाश्वेता ओ मदिनर प्रति मायादेवी कविता पौराणिक विषयवस्तु ओ किंवदंतीको आधार करी रचित। नायिकार प्रेम निवेदन प्रत्येक रचनार प्राणकेन्द्र। कुमारनाथर प्रति कमलकामिनी नामक काल्पनिक कवितारे नायक नायिका उभय संपर्करे भाई भौणी मामुझी भौणी विशेषतः लेखावलीर एहिसब कवितारे आदिरस मुख्य रस भावे प्रतिपाद्य होइछि। केवल बंगलारे नुहे राधानाथंक ओडिया लेखामानंक मध्यरु अनेकरे एहि रसर आभास सुस्पष्ट। यहार उदाहरण कहा पारे जे सभ्यमानवर कल्पनातीत पिता दुहिता प्रत्ययधर्मी पार्वती काव्य रचना करिबाकु कवि कुंठा प्रकाश करिनाहंती। डॉक्टर नटवर सामंतरायंक भाषा मेघदूत किंबा केदारगौरी चंद्रभागा प्रभृति रचना एक आकस्मिक सृष्टि नुहंती। प्रथमटीर पश्चातरे बंगलाक बीतावली ओ द्वितीय श्रेणीर रचना पाश्चात्य लेखावली नथिले एसबू सार्थक दृष्टि परिणत होई मन हुए ना। स्थूलत राधानाथंक बंगला रचना ही तांको ओडिया रचनार एक बलिष्ठ भित्तिभूमि। राधानाथंकर प्राथमिक साहित्य जीवन आरंभ हुए ओडिया पाठ्य पुस्तक रचना करिबारे। तत्परे से अनुवाद मध्य करितिबार लक्ष्य करा जाए। अनुवाद भावरे मेघदूत तांकु जेपरी गौरवान्वित करिथाय। एही महान कविंकर आद्य सौरभे प्रथमे पाठ्यपुस्तक ओ अनुवादरु आरंभ हुई क्रमे केदारगौरी चंद्रभागा नंदिकेश्वरी उषा पार्वती चिलिका दरबार जजातिकेश्वरी तुलसी स्तवक उर्वशी आदि विभिन्न काव्य कवितारे परिव्याप्त हेला। से हेले आधुनिक ओडिया काव्य कवितार यथार्थ प्राण प्रतिष्ठाता। क्रमे क्रमे से रचना करि चालिले तांकर महान प्रेम ओ सौंदर्य विमंडित काल्पनिक काव्यमान निम्न भाव सेगुड़िक लिपिबद्ध करे। केदारगौरी 1885 चंद्रभागा 1886 नंदिकेश्वरी 1887 उषा 1888 पार्वती 1890 चिलिका 1892 महाजात्रा 1892
तुलसी स्तवक 1894, जजाति केसरी 1895, उर्वशी 1895, दरबार 1896, दशरथ वियोग 1901, सावित्री चरित 1906। एथिरु सूचित हुए जे राधानाथ तांकर बंगला कवितावलीर रचना काल 1868 ठारु तांकर मृत्यु काल पर्यंत निरवच्छिन्न भावरे लेखि चालिथिली। हिदार गौरी कोविंकर एक प्रणय स्निग्ध कहानी, चंद्रभागा एक वियोगाकांत काव्य, वियोगांतक काव्य, पार्वती ओडिया जातीय जीवन प्रति एक विद्रूप हेले हैं एथिरे अछि सारस्वत साधनार शाश्वत बाणी। एहिपरि नंदिकेश्वरी चिरंतनी नारीर नारीत्वर दीप्तिमयी, चिलिका उत्कलीय जातीय चेतना और प्रकृति प्राणतार कमनीय आलेख्य, राधानाथंक दरबार तांक प्रतिवादी मानंक प्रति एक मौन प्रतिवाद, एक सार्थक व्यंग काव्य, महाजात्रा कवि प्रतिभार जय, महाजात्रा कवि प्रतिभार जयजात्रा। एहि परिप्रेक्षीरे राधानाथंक उपरोक्त काव्य मानंक संपर्करे ओ तांक काव्य कला विषयरे सामान्य धारणा दिया जाय परे। साधारणतः राधानाथंक काव्य साहित्यरे तीनोटी मुख्य विभाग लक्ष्य करा जाए, विदेशी कथावस्तुर आहरण, ए देशर उपादान भितरे अहृत उपादानर साम्य अनुसंधान एवं एहा उभय उपादानर सार्थक समीकरण, प्रकृति कवि राधानाथंक विषय निर्वाचन क्षेत्ररे गभीर रस पिपासा, तीक्ष्ण विचार बुद्धि और अखंड सौंदर्यबोध देखा मिले, कहानी निर्वाचन पर स्थानीय परिवेश, पुराण किंवदंती और लोकविश्वास पर गुरुत्व देखा अनुभूत हुए, विदेशी गल्पर कंकाल ओडिशार भौगोलिक चित्र सहित भाषार मनोहर छटा, वर्णनारे मधुर परिपाटी, कवितार ललित सौंदर्य आदि तांक काव्य सुंदरी को सौंदर्य मंडित करने को समर्थ हो, तेणु तांक काव्यरे विदेशागत चिंताधारा पाठक मानंक निकटरे अपरिचित किंबा अजणा मने होइना, बरं तांकर प्रत्येक सृष्टि सह पाठक एक एकांतिक सुदीर्घ संपर्क अनुभव करे, जहां असंभव भाव ममतासिक्त और स्वदेशानुराग रंजित। परवर्ती प्रश्न है महाजात्रा महाकाव्यर सप्तम स्वर्ग विषय आलोचना कर। आलोच्य स्वर्गरे पृथ्वीराज और जवनपति मोहम्मद घोरी मध्य अनुष्ठित द्वितीय तिरोगी युद्धर वर्णना दि जाएगी। चारिदिगर मित्र और सामंत राजा मैंने दिल्ली में उपस्थित हो जा पृथ्वीराज संयुक्ता हस्तिनानगरी बहिर्गत हेले एवं बंधु मानक युद्ध संपर्क में मंत्रणा कले। यही समय केते जन राजा जवन सहित सन्धि करने श्रेय बोली मतव्यक्त कले। पृथ्वीराज अत्यंत दुखित हेले। पृथ्वी प्रधान परामर्शदाता आर्यमणि अमर सिंह व्यथित हो सन्धि पक्षपाती राजा मान एक उत्तेजनामय उद्बोधन दिले। यहापर समस्ते दम्भरी गर्जी उठी जय पृथ्वीराज बोली ध्वनि देले एवं अमर सिंह को सेनापति करने को पृथ्वी को अनुरोध कले। पृथ्वीराज अविलंबे अमर सिंह को सही पदरे अभिषिक्त कले। संयुक्त आराधना विधि सारी पति युद्ध क्षेत्र को विदाय दे नर मध्य को बाहुड़ी गली रणक्षेत्र यात्री हो आर्यवाहिनी मेदिनी कंपाई माड़ चलिले। जवान बाहन सहित मिशी जयचंद्र सैन्य सामंत मान जवान बाहन सहित पृथ्वीराज सैन्य सम्मुखरण। उभय पक्षर सैन्य मैंने भैरवी रड़ी छाड़ कोलाहल सृष्टि कले। भयंकर युद्ध में रक्तधारा कर्दमाक्त कला वसुंधरा। बहु लोक मृत्युवरण कले। बहु राजा मध्य मृताहत हेले। ए युद्ध में उड्र राजा जजाति आर्यपक्ष युद्ध करते अमर सिंह अमित तेजरे युद्ध कर जवन पक्षर बहु योद्धा निपात कले। पृथ्वीराज मध्य महाविक्रम युद्ध करुले। सेमानंकर युद्धकालीन मंत्र थिला मंत्रर साधन बा शरीर पातन। आर्यर जा सारधर्म पाल अर्जबीरे। आर्यपक्षरे सैन्य मैंने उत्साह उद्दीपनार सह युद्ध कर शत्रु जवन सैन्य को विपर्यस्त करदे। जवन बाहन बहु क्षति हेबारु जवानाधिपति सन्धि प्रस्ताव पठाले पृथ्वी को निकट को। जवन राजा सन्धिपत्र और हस्तरे शांतिर प्रतीक स्वरूप शुक्ल पताका धरी दूत पृथ्वीराजा निकट में उपस्थित होगा। पृथ्वीराजा आज्ञा घेनी दूत पुणी सेठार बाहड़ी गला जवनपति निकट को। यहपर अग्नि इच्छा मध्य युधिष्ठिर चक्षु सम्मुखें ए दृश्य अंतर्हित है। काव्यर परिसमाप्ति घटी। परवर्त प्रश्न है महाजात्रा सप्तम स्वर्गें किपर कवि जातीय बोध प्रतिफलित आलोचना कर। ऊनविंश शताब्दीर शेषपादर कवि राधानाथ
ଚିଲିକା ଓ ମହାଯାତ୍ରାର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜାତି ବିଦ୍ୱେଷୀ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସେ ମୌନ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଚିଲିକା ଓ ଦରବାର କାବ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ମହାଯାତ୍ରାରେ ସେ ଦେଖାଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଭାବକୁ। ସେ କବି ମଣିଷ ଜୀବନର ସଂଘାତ ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ସେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରୂପାୟିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କବିବର ରାଧାନାଥ ସମକାଳୀନ ସମୟର ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନକୁ ମହାଯାତ୍ରାରେ କରିଛନ୍ତି ମର୍ମରିତ। ଏ ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଏ ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ରଥଚକ୍ର ତଳେ ଭାରତବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ନିପୀଡ଼ିତ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏହି ସମୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିଳାଷ। ଏ ଅଭିଳାଷକୁ ପୁଣି କିଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ସେଦିନର ସମୟ ସଚେତନଶୀଳ କବି ଏହି କଥାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲା ତାର କାବ୍ୟ କବିତାରେ। ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାମା କବି ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ ଏହି ଚେତନର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରଧାର। ତାପରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜାତୀୟ ଚେତନା। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏ ଜାତୀୟ ଚେତନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଭାବ ପ୍ରଣୋଦିତ। ସେଦିନର କବି ବିଚାରରେ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ହିଁ କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି। ଯବନର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଭାରତର ଗୌରବ ରବି ହୋଇଥିଲା ଅସ୍ତମିତ। ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଭାରତର ହେବ ଉନ୍ନତି। ଏହି ସମୟର ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ଜାତୀୟତାର ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗ ଧାର୍ମିକ ବିଶେଷତଃ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଥିଲା, ଦେଖିଲେ କୌତୁକ ଲାଗେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏହି ଚେତନାକୁ ତାଙ୍କର ମହାଯାତ୍ରାର ଅମର ସିଂହଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ମହାଯାତ୍ରାର ସପ୍ତମ ସର୍ଗରେ ଥିବା ଅମର ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଜାତୀୟ ବୋଧର ଉଗ୍ର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି। ଅମର ସିଂହଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ଭିତରେ ସତେ ଯେପରି ଜାତୀୟବାଦୀ କବି ରାଧାନାଥ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ପରାଧୀନଗ୍ରସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ, ମନେ ହୁଏ ସେତେ ଯେପରି କବି ରାଧାନାଥଙ୍କର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଆତ୍ମବିକଶିତ ହୋଇଉଠିଛି ଅମର ସିଂହଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ହିନ୍ଦୁ କୁଳତିଲକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କୋନଜାଧିପତି ଜୟଚନ୍ଦ୍ର। ଯବନ ରାଜା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କ ନିଧନ ସକାଶେ। ଏଥିସହ ଭାରତର ଆକାଶରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅଶୁଭର କଳାବାଦଳ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ଲଭିଛି ଯବନ ବାହିନୀ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜକୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯବନ ବାହିନୀର ବୀର ବିକ୍ରମରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୀତତ୍ରସ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସେନାବାହିନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯବନ ସହିତ ସନ୍ଧି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୌରବ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଭାବାନ୍ତର। ଏତିକି ବେଳେ ସେନାପତି ଅମର ସିଂ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଳାମୟୀ ଉଦ୍ବୋଧନ। ମୃତର ପ୍ରାଣରେ ସତେ ଯେପରି ସେ ଫୁଙ୍କିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର, ବିମର୍ଷର ପ୍ରାଣରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ତରଙ୍ଗ, ଭୀରୁର ପ୍ରାଣରେ ସେ ସଞ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟତାର ଫଲ୍ଗୁ। ବିମର୍ଷି ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ଭାରତୀୟତାର ଜାତୀୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି କୁହାଇଛନ୍ତି ଏହିକି ସେ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଏ ଭୂମିର ସୁତ, ତୁମ୍ଭେଟିକ ଆର୍ଯ୍ୟନାମା ଦାୟତ ଜଗତେ, ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେବାକୁ ସୂଚଗ୍ର ମେଦିନୀ, ପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶୁଣିତ, ବହୁଛି କି ଆହେ ଯୁଦ୍ଧେ ତୁମ୍ଭ ଧମନୀରେ। ଅମର ସିଂ ସଂଗ୍ରାମ ବିମୁଖ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ସେହି ବୀର ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଯାହାର ସନ୍ତାନ ଦିନେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସୂଚକ୍ର ମେତିନୀ ନ ଦେବାକୁ ପଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ହୋଇ ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭୟ କରିବା ନିହାତି ଅଶୋଭନୀୟ। ଅମର ସିଂ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଭୀରୁତା ହେଉଛି ବୀରର ମୃତ୍ୟୁ ସଦୃଶ। ଅମର ସିଂ ଏହି କଥାକୁ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି, ଭୀରୁତା ଯେ ସେହି ସିନା ବୀରର ମରଣ, ଭୀରୁଭାବ ବହି ତୁମ୍ଭେ ମୃତ ଏ ଜଗତେ, ଲୋଡ଼ଇ କି କେହି କ ମୃତର ମନ୍ତ୍ରଣା। ପ୍ରକୃତରେ ଅମର ସିଂଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରାଧାନାଥ ହିଁ ଏହି କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟ ଭାବର ଏହା ପରିଚାୟକ। ପୁଣି ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ରାଧାନାଥ ଅମର ସିଂଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣଭୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପଳାୟନ କରିଯିବେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରଣର ଶିକାର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ହେବ କଳଙ୍କିତ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯବନ କରିବ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଯବନମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୁ ସନାତନୀ ଭୂମିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ
निजे आर्यवीर अनशन व्रत पालन करने के दूर जुक्तिसंगत से प्रसंगे अमर सिंह प्रश्न कर प्रश्न राधानाथ जातिर हीनमन्यता को लक्ष्य कर बसी चीर उपवासी तुषार्थ निरते रही सुरधिनी दिग्विजयी आर्य सिंह औरसर जन्मलाभ करपुरुष भाव देखा अमर सिंह घृणा कर बास्तवर यह घृणा राधानाथ अमर सिंह उद्बोधन भितर राधानाथ जातीय भाव हो प्रतिफलित से उद्बोधन दे कहते जे सिंहर गुहारे सुगा प्रवेश कर तार मुखर आहार छड़े सिंह कण ता नीरव सह्य कै दिने जो आर्य सिंह पृथ्वीराजा भैरव गर्जन में सुगा सदृश महम्मद घोरी निजर गर्भरे आत्मगोपन कर आर्य सिंह दिल्लीपति पृथ्वीराज आज ए युद्धर अग्रणी शाणित तरबारी होची ओराती शणित पिपासु से होंगे जवन कानन को ध्वंस करने महादावानील स्वरूप बहु छाय तले रही प्राणरंक हो युद्ध क्षेत्र पलायन करने वास्तविक वंदनीय तेणु अमर सिंह सैन्य मान व्यंगोक्ति करने संगे संगे यही उद्बोधन देवाक यथार्थ मन कर निष्क्रिय सैन्य मान कहते से युद्ध को एत भय कर तेबे नारी वस्त्रांचल आत्मगोपन करने आवश्यक एभली सैन्य मैंने पुरुष हेले भी स्वभाव नारी पर कुकुर भयार्त हो लांगुल जाकि जेपरी चली जाए से हीपरी अमर सिंह भीरु सैन्य मान पलायन करने को निजे युद्ध कर बचा अपेक्षा जवन द्वार हाथ पतवा उचित भावुवर अमर सिंह से मानक निंदा कर प्रकृत भारतीय मान वीरत्वर अधपतन को राधानाथ निंदावाद कवि भाषा अईठा गईठा भोगी से स्वान परि प्रसादार्थी हुआ जाए जवन द्वारे बाहुड़ स्वगृहे बेगे खड़गसूल आदि भूषण न हो जहा महाभार एवे तुम्भे भीरु हाते करी फाड़े परिणत जवनर भोग लगे चष निरुद बेगे संग्राम भूमि विलासर क्षेत्र नुहे भीरुपाई युद्ध क्षेत्र अभिप्रेत नुहे जोसेलिप्सु वीर मैंने विपदर यज्ञवेदी में जीवन को आहुति दिखती वीरूर जीवन खाद सुनापरी तार गौरव रही ना मात्र वीरर जीवन कालबक्ष चिराभास्वर हो उठे से हुए मृत्युंजयी तेणु अमर सिंह समग्र आजमीर सैन्य बाहन को उद्बोधन दे आवेगभरा प्राण से युद्धभूमि विजयलक्ष्मी को घेनी आसवाक से दे प्रेरणा यह संभव नहले बर मृत्युवरणीय संग्राम भूमि मात्र युद्ध क्षेत्र भीरु बोली पलायन करवा बांछनीय नुहे आर्यर दुर्भाग्यर जदि ए देश को जवन आसे तेबे से आसव वीर मान शव उपर पाद दे आलोच्य स्वर्गर शेष पर्यायर उक्ति भितर राधानाथ कही फलुजा फलिब कर्मे रहधर्म धरी मंत्रर साधन बा शरीर पातन आर्यर जा सारधर्म पाल आर्यवीर यह हेउची आर्यर विरोचित गुण बा धर्म से युद्धभूमि पलायन करे नाही देश पाई युद्ध करिबा को से हुए बद्धपरिकर शत्रु शोणितरे से होरी खेले मृत्यु को से स्वागत करे भीरुता को से घृणा करे अमर सिंह यही कथा को ओजस्वी भाषा उद्बोधन देखते सैन्य मान सतेज परे राधानाथी अमर सिंह मध्यम आत्मप्रकाश कर अमर सिंह को देखा गले से अमर सिंह को देखा गले से कई नुहति से स्वयं जातीयतावादी कवि राधानाथ एठारे तांकर स्वाभिमानी स्वाधीन आत्मापराधीनता ग्रस्त देशवासी को उद्बोधन प्रदान करी उद्बोधन हिंदू भाव प्रणोदित हेले हैं यह संकीर्ण धर्मांधतार परिचय देना बाह्यत यह संकीर्णता को प्रकाश करुले हैं यार अंतरीण स्वर हो भारतीय मान हृदय जातीय चेतना भाव को उद्रेक करवा तेणु राधानाथ बहु कौशलतार सह एक ऐतिहासिक विषय वस्तु को यही महाजात्रा काव्य प्रधान अवलंबन भाव ग्रहण कर उद्बोधन प्रदान कर उद्बोधन केवल प्रचार धर्मी नुहे एंतरिकता और गभीर जाति प्रीति भारतीय रुद्धात्मार मुक्तिपाई एक दुर्बार अभिलाष सतेजेपरी ए मर्मरित ओजस्विनी भाषा यह कविता को आहरी प्राणवंत कर तेणु महाजात्रा महाकाव्य पौराणिकता उपर निजर कंकाल गढ़ी हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह हूँ परिपुष्ट और जातीयतावादी चिंताधारे यहाँ प्राणवंत एवं एकांत मनोज्ञ अतए कविवर राधानाथ उग्र जातीयता बोध यही काव्यर प्राणसत्ता
कवि एथिरे निजर जातीय चेतना को उद्दीपित करिसंती ज्वालामयी भाषा और नाटक संलाप संयोजन तेणु यह काव्य होची एक जातीयतावादी काव्य और यार अमर कवि राधानाथ से एथिपाई जणे जातीयतावादी कवि भाव गौरवान्वित। आज भिडियोटी यह पर्यंत थिला। जदि आपण नुआकर मो चैनल दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब करनी और वीडियो को लाइक कर दिंटू।